पीलीभीत में पुलिस को दीपावली पर्व से पहले बड़ी कामयाबी मिली। यहां के थाना बिलसंडा क्षेत्र के पहाड़गंज गांव में एक आम के बाग में संचालित अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ी है। मौके से एक आरोपी फरार हो गया, जबकि एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो गई। मौके से बड़ी संख्या में अवैध असले व कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में अवैध रूप से बनाए जा रहे असले सप्लाई इस फैक्ट्री से सप्लाई किए जा रहे थे। सूचना पर सीओ बिसलपुर सहित थाना बिलसंडा पुलिस के ग्राम पहाड़गंज में चल रहे इस असला फैक्ट्री पर छापा मारा तो 7 तमंचे, एक जिंदा कारतूस एवं 6-12 बोर के तमंचे सहित काफी मात्रा में कारतूस सहित नन्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से नन्हे का साथी चंद्रसेन पुलिस से बचकर चकमा देकर भाग निकला। चंद्रसेन पुत्र कोमल प्रसाद थाना निगोही जिला शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कह रही है। पुलिस जल्द दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। पहाड़गंज में आम के बाग में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर की सूचना पर जो है थाना अध्यक्ष बिलचंडा ने दबिश डाला। मौके पर जो है दो लोग बना रहे थे, जिसमें एक नन्हे नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, दूसरा चंद्रसेन भाग गया जो निगोही के रहने वाला है। और नन्हे के कब्जे से मौके पर 6 निर्मित तथा कुछ अर्धनिर्मित और मशीनें वगैरह उपकरण उसके शस्त्र बनाने के बरामद हुए हैं। पुलिस ने 5/25 और 3/25 आबजेक्ट का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को जेल भेज रही है। शेष दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है, जल्दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर कहाँ बेचते थे ये जो माल तैयार करते थे? ये सभी संबंधित को बेचते थे, जो आजकल जितने भी बरामद हो रहे हैं अवैध शस्त्र वो सब इन्हीं लोगों से तो लेते हैं, और कहाँ से लेके आते हैं।